धूमधामरे पालित हेला महादेवंक महाशिवरात्रि लिंगराजंक ठारु आरंभ करी लोकनाथंक महादीप दर्शन करी भक्त हेले विभोर ममतांकु आक्रमण नेते जिला राजनीति इलेक्शन कमिशनक पाखरे फेराद हेले उभय टीएमसी ओ बीजेपी महाशिवरात्रि रे प्रथम कुंभ स्नान रे बुड़ पकाइले 20 लाख साधु हरिद्वार रे नागा साधु को देखिबा पई श्रद्धालु को मन रे अद्भुतपूर्व उत्साह पुणी आरंभ हला टीकाकरण पुरी रो विभिन्न गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे वरिष्ठ नागरिक मन को दिया जाउछि टीका वर्तमान खबर संपूर्ण रे श्री लिंगराजंक पीठरे उठिला महादीप निर्धारित समय 15 मिनिट पूर्वरु महादीप उठिला एई समय रे जय लिंगराज ध्वनि रे प्रकंपित होई उठिथिला एकाम्र क्षेत्र लक्षाधिक भक्तंक समागम रे गुरुवार श्री लिंगराज महाप्रभुंक जागर यात्रा अनुष्ठित होई जायछि। कोविड कटकणा भितरे एकाम्र क्षेत्र रे महाप्रभु श्री लिंगराजंक जागर यात्रा पालित होई जायछि। श्री लिंगराज मंदिर रे राती प्राय 9:40 समय रे महादीप उठिछि। श्रीजीवंक जागर यात्रा अवसर रे 7 थर लिंगराज मंदिर बेढ़ा परिक्रमा परे 5 जन समर्था महादीप उठाइछन्ति। धार्य समय रे पूर्वरु लिंगराज मंदिर रे महादीप उठिछि। हर हर महादेव ध्वनि रे प्रकंपित होइथिला लिंगराज मंदिर परिसर। राति 10:00 महादीप उठिबा नै समय धार्य होइथिला। श्री लिंगराजंक संध्या आरती ओ टेरा फिटा नीति शेष हेबा परे श्रीजीवंक यात्रा पूजा ओ बेढ़ा नीति अनुष्ठित होइथिला। एहा परे महादीप उठिबा नै प्रक्रिया आरंभ करा जाइथिला। राति 9:40 रे महादीप उठिछि। एहा परे साहाण मेला दर्शन रात्र 10:00 to 11:00 चारि प्रहरर पूजा रात्र 11:30 to 3:30 हरिहर भेट भोर 3:30 to 4:30 पर्यंत चलिथिला। भोर 4:30 सकाळ 5:15 पर्यंत बड़ सिंघार पहुड़ नीतिकांति अनुष्ठित होइथिला। महाशिवरात्रि पई उत्सव मुखर होई उठिछि प्रभु श्रीलिंगराजंक पीठ। भुवनेश्वर विश्वजीत दास रिपोर्ट। शेष होइछि पवित्र जागर पर्व। पुरी रे बाबा लोकनाथंक पीठरे महादीप को दर्शन करिछन्ति हजार हजार भक्त। भोर 5:20 रे प्रभु लोकनाथंक महादीप उठिछि। महादीप उठिला बेले हुळहुळी हरिबोल रे परिवेश प्रकंपित होइथिला। महादीप दर्शन करि श्रद्धालु भाव विह्वल होइथिले। निर्धारित कार्यसूची अनुयायी पवित्र जागर अवसर रे बुधवार राति 12:30 रे द्वार फिटा परे प्रभुंक विभिन्न नीतिकांति बढ़िबा परे गुरुवार भोर 4:00 रे सर्वसाधारण दर्शन आरंभ होइथिला। दिन सारा भक्त माने लाइन लगे प्रभु लोकनाथंक दर्शन करिथिले। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହରିହର ଭେଟ ପରେ ଭୋର 5:20ରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସାକାର କିୟା ହେ ଶମ୍ଭୁ ବାବା ମେରେ ଭୋଲେନାଥ ତିନୋ ଲୋକ ମେ ତୁ ହି ତୁ। मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର 5 ମହାଦେବ ପୀଠ ସମେତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ଛକସ୍ଥିତ ତଳମାଳିସାହି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବେଢ଼ା ଚାରିପାଖରେ ଜାଗର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ¡Gracias!
दरजी पोखरी छक हेरागुड़ी साई स्थित नीलकंठ शिव मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि जगर जात्रा महासमारोह पालित हो भक्त माने श्रृंखलित भाव में मंदिर मध्य प्रवेश करी कोविड कटकणा मानि महाप्रभु दर्शन करते मंदिर पक्ष भक्त प्रसाद बंटन कर भक्त माने मंदिर बेढ़ बसि जगर दीप प्रज्वलन तृणमूल कांग्रेस मुख्य तथा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार नंदीग्राम में निर्वाचन प्रचार अवसर में जो आहत होती कौन आक्रमण नुहे दुर्घटना कारण ममता आहत होती निर्वाचन आयोग को गुरुवार स्थानीय पुलिस यार प्राथमिक तदंत रिपोर्ट में उल्लेख कर तबे पुलिस कही निर्वाचन आयोग को दिया तदंत रिपोर्ट चूड़ांत नुहे तदंतकारी दल अधिक प्रमाण संग्रह करने सहित प्रत्यक्षदर्शी बयान रेकर्ड कर ममता आक्रमण कर पुलिस मामला रुजुरी कर ममता उपरे आक्रमण होता नहीं तृणमूल कांग्रेस नेता शेख सुफियान एतला दायर करिछन्ति अन्यपटे बीजेपी राज्य सभापति दिलीप घोष एक घटनार सीबीआई तदंत दाबी करिछन्ति ममता आहत घटना उपरे निर्वाचन आयोग तीनोटी उत्सरु रिपोर्ट मागिछन्ति तेबे ममता उपरे आक्रमण करा जाइतिबा नै टीएमसी पक्षरु अभियोग करा जाइ ईसी को चिट्ठी लेखा जाइतिला एहि चिट्ठी रे दल अभियोग करितिला जे ईसी राज्य पुलिस महानिर्देशक को बदली करबा सहित निर्वाचन नाम रे आईन श्रृंखला व्यवस्था को निज हाथ को नेइछन्ति दलर एपरी चिट्ठी उपरे ईसी गुरुवार दृढ़ प्रतिक्रिया रखिछन्ति ईसी कहिछन्ति टीएमसी रो अभियोग आक्षेपमूलक और यह सांविधानिक परंपरार परिपंथी टीएमसी रो एपरी चिट्ठी अत्यंत दुर्भाग्यजनक अरुचिकर असंभ्रांत बोली ईसी कहिछन्ति प्रत्येक अघटन उपरे विधिवध तदंत हेबा आवश्यक आईन श्रृंखला व्यवस्था को ईसी निज हाथ को नेइथिबा अभियोग करिबा संपूर्ण भूल अन्यपटे ममता आहत आक्रमण जनित बोली प्रचार होगा टीएमसी कर्मी और समर्थक मैंने राज्यर विभिन्न स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन करिछन्ति ममता शांति और संयमता रक्षा करने लगे निवेदन करिछन्ति ब्यूरो रिपोर्ट प्रयास न्यूज सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। प्राथमिक शिक्षा बच्चे के भविष्य की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मविश्वास से भरे स्मार्ट और तेज तरार हो तो कृपया उत्कल बचपन के पास आए। यह आपके बच्चे के लिए दूसरा घर होगा। स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षक, घरेलू वातावरण और सभी शिक्षण सहायक उपकरण हैं। स्कूल मस्ती के माध्यम से सीखने में विश्वास करता है। स्कूल में वातानुकूलित क्लासरूम, सीसीटीवी कमरे, बॉल रूम, डॉल हाउस, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स, डाइनिंग रूम और एक सेलिब्रेशन कॉर्नर है। यह पूरी का एकमात्र स्कूल है जिसका ISO प्रमाणन 2001-2015 है। आप अपने बच्चे को उत्कल बचपन परिवार का हिस्सा होने दें और हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का आश्वासन देते हैं।
जिंदगी भी क्या जिसमें प्यास ना हो। इस खुशियों के सीजन पे बुझाइए अपनी प्यास सिर्फ अमृत के साथ। अमृत वाटर विद एडेड मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक। अमृत वाटर विद एडेड मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ स्वाद और क्वालिटी में दमदार। ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला। अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। विरती परे आपण मन को आउथरे स्वागत। महाशिवरात्रि अवसर रे गुरुवार सारा देशर प्राय 2,00,000 रु ऊर्ध श्रद्धालु हरिद्वार स्थित पवित्र गंगा नदीर हरकी पौड़ी घाटे बुड़ पकाई। आज कुंभ मेलार प्रथम शाही स्नान होता बेले 12 वर्ष पर एठारे आयोजित होई। रिपोर्ट अनुसार आज भोरु सकाळ 7 जाए साधारण लोकंकु हरकी पौड़ी रे स्नान करिबाकु दिया जायतिला। घाट को सफा करा जाए विभिन्न आखड़ार साधु सन्यासी मैंने बुड़ पकाई। प्रथम जुना आखड़ा आह्वान आखड़ा अग्नि आखड़ा और किन्नर आखड़ार सन्यासी मैंने दिन 11 बुड़ पकाई। निरंजनी आखड़ा और आनंद आखड़ार सन्यासी मैंने गोटाए समय स्नान करते। महानिर्वाणी आखड़ा और अटल आखड़ार सन्यासी मैंने बुड़ पकाई। एहि समय रे आईन श्रृंखला रक्षा पई व्यापक व्यवस्था करा जायतिला। कुंभ मेलार द्वितीय शाही स्नान 12 तारीख रे सोमवती अमावास्या रे अनुष्ठित हेबो। तृतीय और चतुर्थ शाही स्नान यथाक्रमे 14 और 27 तारीख रे अनुष्ठित हेबो बोली जणा पडिछि। नमः शिवाय।
रिपोर्ट प्रयास न्यूज। बहुत दिन अपेक्षा परे शुक्रवार साखी गोपाल गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र परिसर रे 200 वरिष्ठ नागरिक मानकु कोविड टीका प्रदान करा जायछि। टीका नेबा पई वरिष्ठ नागरिक मानक मध्यरे बेस आग्रह प्रकाश पाइछि। लंबा लाइन लगाई निजर प्रमाणपत्र देखाई नाम पंजीकरण करिबा सहित टीका नेइथिले। स्वास्थ्य केंद्र रो मुख्य चिकित्साधिकारी विश्वजीत मिश्रंक तत्वावधान रे टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करा जायछि। सहीपरी सत्यवादी ब्लॉक परिसर रे 110 जन को प्रथम पर्याय टीकाकरण प्रदान करा जायतिला। सेमन हेले पुलिस ब्लॉक कर्मचारी तहसील ओ अग्निशम कर्मचारी। आज सेमन को द्वितीय पर्याय टीकाकरण प्रदान करा जायछि। वीडियो खिरत कुमार बेहरा द्वितीय पर्याय रो प्रथम टीका नै कार्यक्रम को शुभारंभ करथिले। जेउ माने आज ए टीका नेबारु वंचित हेबे सेमन को आसंता काली टीका प्रदान करा जिवो बोली वीडियो श्री बेहरा कहिछंती। मैम आम ओडा फायर सर्विस डॉक्टर सेकंड डोज टीका नाइ कि असुविधा ना ज्वर आसाला सेकेंडा किसी असुविधा ना ठीक अच्छे मुझे प्रथम फास्ट डोज नहीं आज सेकेंड डोज नौ नबार किसी असुविधा नहीं मैंने प्रतिक्रिया ना आमर ये 10 बेले सेकेंड डोज आज आरंभ होगा मुझे प्रथम नहीं किसी अनुभव अनुभव तो सेमती आसिक मैंने आपड़ जो अपने ऑब्जर्वेशन में भी विशेष किसी दरकार नहीं मैंने ये फ्री लगुच आसिक मैंने आग अपेक्षा आहरी मैंने स्मार्ट फिल कर मैं पार्श्व प्रतिक्रिया किसी फिल करना प्रतिक्रिया शुणु आगुरी टे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थाए साइड इफेक्ट कि आब्सोल्युटली किसी नहीं जा लोक मैंने स्वतप्रभुत आसिक नौ मैंने आम भितर गोटे कंपिटिशन हो जाए भी कि आग टीका नब एटा गवर्नमेंट गोटे मैंने आउटस्टैंडिंग ये हाँ आज आम सत्यवादी ब्लक 12 आज प्रथम स्टार्ट कराला देखिपुर लाइन में लगे जो आगुरी रजिस्ट्रेशन करके आग प्रथम रजिस्ट्रेशन कराया पड़ूगा तापर आमको टीका दि जाऊला बर्तमान से स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराई ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन तापर टीका दि जाऊँगी आज आम पाखापाखि 200 जन को टीका देवार व्यवस्था कराई तापर पर्यायर यहाँ कंटिन्यू कर आज आम जो ब्लक फास्ट डोज दिखाई ब्लक अफिश्रेटा को आज सेकेंड डोज स्थान कर दि जाऊँगी आज ये गोटे कराई नेक्स्ट टाइम आम चारिटा जगह करूँ सत्यवादी अलगुम पाणीछत्र शुक्ल चारि जगह करूँ। साखी गोपाल धीरेन्द्र सेनापति रिपोर्ट। पुरी सहर उपकंठरे थिबा डॉक्टर मुकुंद मिश्र नगरर आराध्य देवता मुकुंदेश्वर महादेवंक पीठरे महाशिवरात्रि जागर यात्रा कोविड कटकणा मध्यरे पालित होइजैछि। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ध्वनिरे डॉक्टर मुकुंद मिश्र नगर प्रकंपित हेबा सह समग्र नगर शिवमय होइ उठिथिला। एहि अवसररे जागरर पूर्वदिन भोर प्राय 4 मंदिरर द्वार फिटा जाई ठाकुरंक मंगल आळती अवकाश आदि नीति संपन्न होई सकाळु सर्वसाधारण दर्शन आरंभ होईथिला। एहि अवसररे मंदिर निकटरे सर्वबृहत जगत मंगल जागर दीप प्रज्वलित होईथिला। संध्यारे मुकुंद मिश्र नगरर सभापति जगदानंद मिश्रंक प्रत्यक्ष तत्वावधानरे कार्यक्रम आयोजित करा जायथिला। कार्यक्रमरे विधायक जयंत कुमार षडंगी मुख्य अतिथि भावे जोगदान सम्मानित अतिथि भाव सुभाशिष खुंटिया गोपीनाथपुर पंचायत सरपंच राजकिशोर राउत अजय कृष्ण दास मनमोहन राउत हरिहर प्रधान मंदिर कमिटी सदस्य जयलक्ष्मी दे सस्मीप्रिया राय रविनारायण पटनायक एवं मुना प्रमुख मंचासीन थिले। एहि अवसरें नगरर कुनि कुनि पिलांक पक्षर भजन जणाण लोकनृत्य आदि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायथिला। डॉक्टर मुकुंद मिश्र नगरर समस्त नगरवासी उपस्थित रही मंदिर बेढ़े जगर दीप प्रज्वलन करिथिले। रात्र प्राय 11 महादीप उठिथिला। महादीप दर्शन करी नगरवासी निजर उपवास भंग करिथिले। जगर यात्रा रे मुकुंद मिश्र नगर बासिंदा समेत आखपाख अंचल बहु भक्त जोगदान करिथिले। समस्त कार्यक्रम को जगदानंद मिश्र परिचालना करिथिले। भक्त माने आज पूरा राति जाको उजागर रही कि जागर जाळिबे। आज हम मुकुंद मिश्र नगर रे अछु। एटी मुकुंदेश्वर महादेव अछंती। एटी प्रथम गिरी सबुट उच्चतम दीप आज स्थापन करा जायछि। ए महादीप उठिबो जतबेले सूर्य किरण दीप उपर पड़ा सूर्य रश्मि से दीप अग्नि संजोग है ये बार्ता गला संसार के मंगल हम संसारवासी केमती शांति रे खुशी रे विपद मुक्त हम ये जो कोरोना महामारी व्यापी जा
ସେଥିରୁ କେମିତି ସଂସାର ରକ୍ଷା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଅ, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା, ଏଇଟା ମନ ଭିତରର କଥା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଶିବମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ରାତି, ମହାଦେବଙ୍କ ରାତି ଆଜି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ସଂସାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଥିଲା ପୋଡ଼ି ଜଳିକିରି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ ପାନ କରି ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂସାରକୁ, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିବେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜ ରକ୍ଷା ହେବ, ମଣିଷ ଜାତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିବେ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦିଅଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭୋଗ ରାଗ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ କରାଯାଇକି ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ନୀତିମିତି କରାଯାଏ ତାର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଜଳିବ ଏବଂ ବିଶାଳକାୟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିବ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଜାଗର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାଗର ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କରିବୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବୁ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ରୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କୋଭିଡ଼ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଭାରତକୁ ନ ଆସୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜାଗର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଉପାସ ରଖିଛି, ଆଉ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ ପାଇବୁ। ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ମହାଦେବ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଡାକିଲେ ବି ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ନଥାଏ। ତଥାପି ଜାଗର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜାଗରରେ ଉପାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଗର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଦିବଂଗତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ତାରକା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଜୟ ଅଜିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନାମରେ ଏକ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପଡ଼ିଆରେ ଚଳିତ ମାସ 12-14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ତାରକା, ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଫେସର, ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଗଠିତ 10 ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ବୁଧବାର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ ନୃସିଂହନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜକ କ୍ଲବର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସିନେ ତାରକା ବବି ମିଶ୍ର, ଅଧିନାୟକ ରମେଶ ବାରିକ, ଉପ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦଳର ଅଧିନାୟକ, ଉପ ଅଧିନାୟକ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 50,000 ଓ 30,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୁଧବାର ଆୟୋଜିତ ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜକ କ୍ଲବର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବବି ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦିବାରାତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ 10 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆମର ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ରମେଶର ବହୁତ ଦିନ ଭାବନା ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲେୟର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳନ୍ତି କ୍ରିକେଟିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା 3 ଦିନ ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର 10ଟି ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି
टीम जो मैच हम से दस दस ओवर रैच हम आय ओडार सब ट्रेड रु सब प्रफेसन रु कह भुवनेश्वर विश्वजीत दास रिपोर्ट। वर्तमान खबर एति आसंता ठीक ए समय रे ए चैनल रे पुन थरे देखा हबो। रहुची नमस्कार।